हेलो सर। हाँ हाँ बेटे, सर, अभी आ गया आवाज। अभी आ रही है ना। हाँ यार, यस ये सर। कभी कभी जब ये नेटवर्क फ्लक्चुएट होता है तो क्या है, सब हो जाता है। अरे बाकी लोग वापस आए नहीं, किधर चले गए? आ रहे हैं, आ रहे हैं। सर एक डाउट सर, हाँ बोलो बेटे। सर अगर किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दोनों आरोज एक तरफ पॉइंट आउट पॉइंट करेंगे तो हम उसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। सर क्या क्या क्या? अगर कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन है और दोनों आरोज एक ही तरफ पॉइंट करेंगे, जैसे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, एक ही डायरेक्शन में, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा सर। नहीं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे तो क्या होना चाहिए, अगल बगल में भी फोर्स जीरो होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, उसको न्यूट्रल नहीं बोलते हैं। वो इन तीनों में से किसी भी तरह का इक्विलिब्रियम नहीं रहे। ठीक है, सर लेकिन अगर हम किसी एग्जांपल को सोचे सर, तो एक ही फोर्स की वजह से दो टाइप के इक्विलिब्रियम मतलब कैसे जनरेट हो सकते हैं? किस मतलब कोई एग्जांपल है? हो सकते हैं ना। जैसे मान लो बेटे, ऐसी सिचुएशन है, जैसे मान लो क्या है कि ये कुछ ऐसा ट्रैक पे पार्टिकल चल रहा है ना, और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है -2 और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है +3। तो +3 पे इक्विलिब्रियम कैसा है? अनस्टेबल। -2 पे अनस्टेबल, कैसा है? स्टेबल। स्टेबल यस है सर। ना। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। अब देखो, कभी कभी क्या है, इक्विलिब्रियम का नेचर अपन ग्राफ से भी जज करते हैं। मतलब क्या है, आपको कुछ ऐसा दिया जाए, कहा जाए कि फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाया हमने और वो ऐसा आया है ना। ये पॉइंट है कुछ एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। तो हमें बताना है, ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है ना। नन ऑफ द अबव। क्या एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे नेट फोर्स जीरो है बच्चों? यस सर। यस एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट नेट फोर्स इज जीरो है ना। एक्स नॉट से थोड़ा आगे गए, एक्स नॉट से थोड़ा आगे गए तो फोर्स पॉजिटिव हो गया ना। हाँ सर। यस सर। यस सर। पॉजिटिव हो गया मतलब प्लस आई कैप डायरेक्शन, और एक्स नॉट से पीछे गए यहां पे पहुंचे तो फोर्स नेगेटिव हो गया। देखो, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना, जो साइन है वो डायरेक्शन ही तो बता रहा है, यस सर। तो वो माइनस आई कैप हो गया। अब बताइए, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या सर अनस्टेबल? स्टेबल। एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो क्या हम बोल सकते हैं इसका आंसर बी होना चाहिए? यस सर। बी इज द राइट आंसर। तो देखो, ये आप हमेशा ध्यान रख सकते हो ये बात को, कि अगर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे जो एफ एक्स ग्राफ है, अगर उसका स्लोप पॉजिटिव है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है ना। इफ स्लोप ऑफ फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ
एट द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज पॉजिटिव देन दैट इक्विलिब्रियम पोजिशन इज अनस्टेबल। और अगर ऐसा हो गया, इफ स्लोप ऑफ फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ इज नेगेटिव एट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम then that position of equilibrium is stable। समझ में आती है बात बच्चों? Yes sir। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ कुछ ऐसा, ये एक्स वन है, यहाँ पे एक्स टू आ रहा है, यहाँ पे एक्स थ्री आ रहा है, तो हमें बताना है फाइंड द पोजीशन ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल। कौन सी होगी बच्चों? एक्स वन पे क्या है? अनस्टेबल। अनस्टेबल क्योंकि स्लोप कैसा हो गया बच्चों? स्लोप हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव। एक्स थ्री पे क्या है? स्टेबल। एक्स थ्री पे है स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि फोर्स जीरो हो रहा है तो इक्विलिब्रियम, और नेगेटिव स्लोप है तो stable। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का कौन सा है? एक्स टू। क्या एक्स टू पे इक्विलिब्रियम है? क्या फोर्स जीरो हो रही है क्या एक्स टू पे? No, sir. X2 कुछ नहीं है, X2 ऐसे ही bogus point, मतलब X2 पे क्या है? There is no equilibrium। तो जब equilibrium ही नहीं है तो stable, unstable और neutral की क्या बात करें, है ना बेटा? तो X2 is not, there is no position of neutral equilibrium as per this graph। Sir, neutral equilibrium का graph कैसे होगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का ग्राफ कैसा होगा देखो बताते हैं तुमको। देखो मान लो ये ग्राफ, यही ग्राफ आगे जा करके यो जाए और ऐसा हो जाए। ओके सर। तो फिर यहाँ पर कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। ओके सर। सर वो सर, जैसे ही सर, हाँ इस तरफ, हाँ इस तरफ भी बना सो ऐसा। सर वो फ्लैट लाइन पे, ये ऐसा भी बोल सकते थे, यूं है ऐसा जाकर के फिर ऐसा हो रहा है, तो यहाँ भी जीरो, जस्ट पहले भी जीरो, जस्ट बाद में भी जीरो, ये भी चल जाए। सर अगर वो लाइन एकदम ही हॉरिजॉन्टल हो गया तो उस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो सब इक्विलिब्रियम होंगे ना, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हाँ
हॉरिजॉन्टल, देखो ऐसा हॉरिजॉन्टल से काम नहीं चलेगा, वो एक्स एक्सिस से ही कोइंसाइड करना चाहिए, हाँ सर, है ना? अच्छा, उसी तरह से देखो पोटेंशियल एनर्जी से कैसे जज करते हैं। तो अभी अपन ने क्या देखा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्या होना चाहिए, स्टेबल फोर्स जीरो और फोर्स का डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो, है ना? और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्या होना चाहिए, फोर्स जीरो और फोर्स का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, फोर्स को क्या माइनस डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, अच्छा, फोर्स को डी यू, फोर्स को माइनस डी यू बाई डी एक्स लिख दें तो डी एफ बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी एफ बाई डी एक्स को डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, एफ को क्या माइनस डी यू बाई डी एक्स लिख सकते, ये लेस देन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब माइनस ऑफ डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो होना चाहिए, यानी कि डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है बेटे, पोटेंशियल एनर्जी से कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव तो जीरो होना चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। एट स्टेबल इक्विलिब्रियम फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी जीरो एंड सेकंड डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। देखो ये दोनों मिलाकर के क्या कंडीशन ऑफ मिनिमा देता है? हाँ सर, क्या ग्राफ ऐसा बन जाना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का? तो ये वाली जो पोजीशन होगी क्या ये पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगी? यस सर, पोजीशन ऑफ मिनिमा ऑन पोटेंशियल एनर्जी कर्व इज पोजीशन ऑफ स्टेबल। देखो यहाँ पे ग्राफ का एक्स एक्सिस को कट करना जरूरी नहीं है, है ना? बस ये मिनिमा बनना चाहिए। उसी तरह से फोर्स जीरो से पता चल जाएगा डी यू बाई डी एक्स जीरो और डी एफ बाई डी एक्स जीरो से पता चल जाएगा कि डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर मस्ट बी लेस देन जीरो। और ये दोनों कंडीशन अगर लागू हो जाए इसका मतलब मैक्सिमा ऑफ यू वर्सेस एक्स ग्राफ। क्यों बेटे? तो अगर मान लो आपने पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाया है तो उस ग्राफ पे आपको क्या चेक करना है, जो मैक्सिमा की पोजीशन है वो क्या बताएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते भी होंगे जो लोएस्ट एनर्जी की स्टेट होती है वो इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है ना? यस सर, मैक्सिमा ऑफ यू वर्सेस एक्स ग्राफ पे क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। मिनिमा ऑफ यू वर्सेस एक्स ग्राफ पे क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्या ये बात समझ में आती है? यस। तो देखो भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं पहली बात,
फटाफट से समझो, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन होती है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होता है, पहली बात। दूसरी बात, इक्विलिब्रियम तीन तरह के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऐसी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जहां से पार्टिकल को डिस्प्लेस करें थोड़ा सा तो वापस उसी पोजीशन पे आने की टेंडेंसी रखे तो उसको कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऐसी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जहां से पार्टिकल को अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करें तो वो उस पोजीशन से और अवे जाने की टेंडेंसी रखे तो उसको कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि ऐसी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जहां से अगर हम पार्टिकल को थोड़ा बहुत डिस्प्लेस करें तो वो फिर से वापस से इक्विलिब्रियम में ही आ जाए तो उसको कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब फोर्स का एक्सप्रेशन देख करके स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल कैसे पता करते हैं ये सीखा अपन ने। yes. जैसे फोर्स दे दिया -10 × x − 2 या फोर्स का कोई क्वाड्रेटिक ग्राफ दे दिया तो इक्वल टू जीरो किया, फिर उसके बाद उस जीरो वाले पॉइंट के आसपास वाले पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन चेक कर ली। स्टेबल इक्विलिब्रियम में फोर्स की डायरेक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होती है, विसिनिटी में, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में फोर्स की डायरेक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन से अवे होती है। फिर उसके बाद हमने ये बात भी बताई कि यार देखो अगर फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया जाए तो अगर जहां पे फोर्स एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जहां पे फोर्स एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन होंगी, और अगर वहां पर स्लोप पॉजिटिव है तो वो अनस्टेबल होगा, स्लोप नेगेटिव है तो स्टेबल हो जाएगा। फिर फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करके हमने ये देखा कि अगर पोटेंशियल एनर्जी कर्व, पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन पे ग्राफ बनाया और जहां पे मिनिमा बन रहा है वो पोजीशन क्या बताएगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जहां पर मैक्सिमा बन रहा है वो पोजीशन क्या बताएगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, तो ये बात है भाई, बाकी जो है वो अगली क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना। और अभी अपना ये चैप्टर जो है वर्क पावर एनर्जी वाला ये खत्म होता है, अब आप इसका एक्सरसाइज 1 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो, ये अगली क्लास के लिए आपका होमवर्क रहेगा, है ना। सर दो लेक्चर होंगे और इस वीक में? हाँ होंगे होंगे, कल एक लेक्चर कल ही लगवा देते हैं बोर्ड का तुम्हारा, ठीक है बेटा? कल okay. कल लगवा देना, कल सुबह और कोई लेक्चर ना। हाँ हाँ इंडिया ओनली फॉर एपी के ना। हाँ ओनली फॉर एपी। ओके सर, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 1 बच्चों अगली क्लास तक कंप्लीट करके लेके आओ, है ना। ओके सर, ये जरूर डिस्कस करना है आपने को। हम लोगों ने सेक्शन डी तक डिस्कस कर चुके हैं ना। यस सर। ओके, तो अभी तुम्हारा ई और एफ बचता है, वो दोनों कर लाना, ठीक है सर? इसके नोट्स भेज दीजिएगा ना। हाँ नोट्स तो भेज ही रहे हैं। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।